दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज की डेट में कौन सा ऐसा ब्रांड है जो हर तरह की चीज़ बेच रहा है और इतनी अच्छी उसकी इमेज मार्केट में बनी हुई है कि आप बिल्कुल भी इस बारे में सोचते नहीं हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। आटा उसी ब्रांड का, चावल उसी ब्रांड के, इवन की बच्चों की टॉफ़ी चॉकलेट उसी ब्रांड के, इवन की कपड़े उसी ब्रांड के। समझ गए ना, मैं पतंजलि की बात कर रही हूँ। और पतंजलि ने ये तो सिद्ध कर दिया है कि भारत में कारोबार का किसी तरह से भी स्कोप कम नहीं है, बस आपको इमेज बिल्डिंग करना आनी चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है और कैसा इन्वेस्ट करना है। और ये जो पतंजलि है, ये हम सब जानते हैं कि भारत के योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण की उपज है। और आज पतंजलि अपने आप को इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश कर चुका है कि 3,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो आज हम इसी तरह के बिजनेस पर बात करेंगे और बताएंगे कि आप भी पतंजलि से कैसे जुड़ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पतंजलि की फ्रेंचाइजी आप भी ले सकते हैं और आप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस को मार्केट में। दिन प्रतिदिन ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए पतंजलि आगे भी मुनाफे की ओर बढ़ रही है। 2006 में शुरू हुआ ब्रांड पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया। भारत की परंपरागत पद्धतियों को जीवित रखता ये ब्रांड आज लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर आप भी इस ब्रांड से खुद को जोड़ना चाहते हैं और प्रॉफिट में हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को पतंजलि डिस्ट्रीब्यूशन शिप की लागत के मामले में काफी रिलैक्सेशन देता है। 7 से 70 लाख के बीच अगर आप निवेश कर सकते हैं तो आपको आसानी से पतंजलि डिस्ट्रीब्यूशन शिप प्राप्त हो सकती है। अब बात आती है जगह की, तो दोस्तों इसमें पतंजलि आपसे कुछ ज्यादा जगह नहीं मांगता। 300 से 2000 वर्ग फीट तक का कोई भी खाली स्थान अगर आपके पास हो तो आप स्टोर खोल सकते हैं। पतंजलि ब्रांड की इतनी फ्लेक्सिबल मांग के कारण हर तबके के छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यापारी भी इसे अफोर्ड कर सकता है। अपनी वाजिब कीमतों और आसान फ्रेंचाइजरशिप शर्तों के कारण पतंजलि अमीर गरीब हर श्रेणी के व्यक्तियों को आकर्षित कर रहा है, जो उसे भौगोलिक रूप से फैलने में काफी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रांड का नाम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी उतना ही इसकी फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं और इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। पतंजलि फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप सबसे पहले इस लिंक पर जाएं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, जहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म भरें। चाहे फ्रेंचाइजी हो या मेगा स्टोर, अगर आप भी एक उद्यमी के रूप में ग्रो करना चाहते हैं तो पतंजलि की बढ़ती तरक्की के साथ आप अपनी तरक्की भी मुमकिन कर सकते हैं। हालांकि सभी अन्य बिजनेस या फ्रेंचाइजी की तरह ही है, पतंजलि फ्रेंचाइजी लेने के बाद एक ब्रांड रिप्रेजेंटर के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ब्रांड की इमेज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और लंबे समय से लोगों के मन में उसे लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे। तो अगर आप भी सोच रहे थे पतंजलि का फ्रेंचाइजी लेने के लिए तो तरीका हमने आपको बता दिया है और आपको ये ख्याल रखना है कि किस तरह से आपको इस ब्रांड की इमेज बरकरार रखनी है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोज पसंद आ रहे हैं और आप आगे किस तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।